अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ ज़बरदस्त वैकेंसी शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, कैपको में नई वैकेंसीज आई हैं। किस पोस्ट पे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हर नए आने वाली वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, कैपको प्लांट सर्विसेज एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में नई वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले कैटेगरी है दोस्तों, इसमें डिपार्टमेंट है एडमिन टीम का, इसमें सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की। 10 से 12 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए, तालीमी काबिलियत एमबीए, एज लिमिट 240 साल तक, और कम से कम 10 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है एचआर या फिर आईआर ऑफिसर, इसमें दोस्तों 8 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए, तालीमी काबिलियत एमबीए या फिर बीबीए हो या फिर एलएलबी डिग्री, एज लिमिट 235 साल तक, कम से कम 8 साल का रेलिवेंट फील्ड में तजर्बा होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है एडमिन ऑफिसर, 5 साल के तजर्बे के साथ, तालीमी काबिलियत दोस्तों बैचलर डिग्री बीए या बीएस, और एज लिमिट 235 साल तक, कम से कम 5 साल का रेलिवेंट फील्ड में तजर्बा होना चाहिए। आईटी एग्जीक्यूटिव, इसके लिए दोस्तों तालीमी काबिलियत एमआईटी या फिर एमसीएस या फिर बीसीएस, 5 साल के तजर्बे के साथ। अकाउंटेंट, इसके लिए तालीमी काबिलियत दोस्तों एमबीए या फिर एसीसीए या फिर एसीएमए, 5 साल के तजर्बे के साथ। एज लिमिट 235 साल तक। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों इंजीनियरिंग टीम का, इसमें पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, 10 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए, इसके लिए तालीमी काबिलियत दोस्तों बीई या बीएससी, एज लिमिट 235 साल तक। नेक्स्ट पोस्ट है प्लानर, इसके लिए तालीमी काबिलियत बीई या बीएससी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में, एज लिमिट 233 साल तक, 4 साल के तजर्बे के साथ। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों इसमें ऑपरेशन एमसीआर, इसमें सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, तालीमी काबिलियत बीई या बीएससी, 10 साल के तजर्बे के साथ दोस्तों, एज लिमिट 42 साल तक। शिफ्ट इंजीनियर, तालीमी काबिलियत सेम है, 7 साल के तजर्बे के साथ, एज लिमिट 240 साल तक। असिस्टेंट शिफ्ट इंजीनियर बॉयलर, एज लिमिट 35 साल तक और तालीमी काबिलियत दोस्तों डीए या बीएससी, 5 साल के तजर्बे के साथ, 2 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट शिफ्ट इंजीनियर टीबीएन, इसकी 4 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट शिफ्ट इंजीनियर एसबीओ, इसकी भी 4 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट शिफ्ट इंजीनियर एफजीडी, इसकी भी 4 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट दोस्तों इसमें ऑपरेशन ऑक्स सीसीआर, इसमें असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर सीएचपी की वैकेंसी हैं, असिस्टेंट मैनेजर डब्ल्यूटी, ऑक्स सीसीआर, असिस्टेंट शिफ्ट इंजीनियर सीसीआरओ, ऑक्स असिस्टेंट शिफ्ट इंजीनियर लोकल सीएचपी, असिस्टेंट शिफ्ट इंजीनियर एएचपी या फिर ईएसपी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों इसमें मेंटेनेंस टीम्स, इसमें मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी है, बॉयलर इंस्पेक्टर या फिर इंजीनियर की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, आई एंड सी इंजीनियर, आई एंड सी सुपरवाइजर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों इसमें सीएचपी, एएचपी, एफजीडी, कोल हैंडलिंग प्लांट या फिर ऐश हैंडलिंग प्लांट या फिर फ्लू गैस डिजलाइजेशन, डिफर्टिलाइजेशन। दोस्तों इसमें सबसे पहली पोस्ट है
मैकेनिकल इंजीनियर की दो वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट मैनेजर की एक वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक है, आई एंड सी असिस्टेंट मैनेजर की एक वैकेंसी है, और लास्ट पे आई एंड सी इंजीनियर इसकी भी एक वैकेंसी है। क्राइटेरिया दोस्तों सबके आगे लिखा हुआ है कि क्या उसकी तालीमी काबिलियत है, कितने साल का तजर्बा चाहिए और एज की लिमिट क्या है। ओवरऑल 247 वैकेंसी रहे और मुतलबा में आपको पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों को ही टेस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने अपनी सीवी में मुकम्मल मेंशन करने है अपना तजर्बा, जो आपकी डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन और एज की लिमिट, अपनी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन बतानी है, बायोडाटा मेंशन करना है आप लोगों ने। टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाने वाले उम्मीदवार को कोई टी ए डी ए नहीं दिया जाएगा। नाम मुकम्मल और मुकर्रर तारीख के बाद मसूलों में दरख्वास्तों को जेरे गौर नहीं लाया जाएगा। डेट, टाइम और वेन्यू 40 उम्मीदवारों का यानी कि टेस्ट इंटरव्यू का SMS या फिर कॉल या फिर ईमेल के जरिए आप लोगों को आगाह किया जाएगा। और इंटरव्यू के वक्त आप लोगों ने अपने तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने और एक सेट आप लोगों ने तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट्स का भी लेके जाने। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, आप लोगों ने अपनी CV सेंड करनी है इस एड्रेस पे, अरेबियन सी कंट्री क्लब बिन कासिम टाउन कराची, इस एड्रेस पे आप लोगों ने अपनी CV सेंड करनी है। और जिस पोस्ट में आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका डिपार्टमेंट का नाम और पोस्ट का नाम आप लोगों ने वादे तौर पर मेंशन करना है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 2 जनवरी 2021 है। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इस इश्तहार का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग आसानी से इसको रीड कर सकें। अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कहीं भी मसला पेश है तो आप लोग मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वैकेंसीज और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़बरदस्त मौका है दोस्तों, कैपको में ये वैकेंसीज रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों ये नौकरी हैं और इसमें कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज हैं। सबसे पहले कॉलम में डिपार्टमेंट का नेम लिखा है, उससे आगे जिस पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं, डेजिग्नेशन की ओहदे की वैकेंसीज आई हैं उसका नेम लिखा होगा, कौन से ओहदे की वैकेंसीज हैं, कितनी हैं, कितने साल का तजर्बा चाहिए, तालीमी काबिलियत क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एज की लिमिट क्या है, स्किल्स या फिर तजर्बा कितना और किस चीज़ का चाहिए। तो ये दोस्तों मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।